हमें चिकन ग्रेवी बनाने के लिए पहले ये तरबूज के बीज और ये बेबी काजू का पेस्ट। तो इधर पे देख लीजिए, बेबी काजू का पेस्ट और तरबूज और का बेबी काजू का पेस्ट मैं बना ली हूँ। हमें थोड़ा सा दो तीन चार पंडू का पेस्ट बनाना है, जिंजर और जार्लिक्स का पेस्ट, होममेड पेस्ट, प्याज बारीक कट करी हुई। इधर मैं चिकन वॉश कर को अच्छे से धो कर रख लियो। तो सबसे पहले मैं इधर पैन चढ़ाई हूँ चिकन ग्रेवी बनाने के वास्ते। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल भी है और बहुत अच्छी भी है इस रेसिपी। और ये शादियों में बनती है हमारे यहाँ बेंगलोर में। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले डाल रही हूँ तेल, पैन गर्म होने के बाद मैं तेल डाल रही हूँ। अभी हमारा तेल गर्म होगा तो मैं कटी हुई प्याज, इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं सॉरी फ्रेंड, इसे पिंक पिंक करना है हमें, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें। तो इधर हमारी प्याज पिंक पिंक होगी, अभी मैं इसमें जिंजर और जार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। अभी अच्छे से हमें इसका कच्चा स्मेल गया तक अच्छे से भून लेना प्याज मिर्च अदरक लहसुन को, दो तीन मिनट अच्छे से भूनना हमें अदरक लहसुन में, अदरक लहसुन को प्याज में की कच्ची स्मेल गई तक। तो अच्छे से हमारा अदरक लहसुन भी इसमें भून चुका है। तो हमें इसमें ये जो पेस्ट बने थे बेबी काजू और तरबूज के बीजों का, वो पेस्ट हमें इसमें ऐड करना। अभी इसे भी अच्छे से दो मिनट तक हमें इसमें भूनना मिक्सर को। इसे हलाते रहना नहीं तो इसे नीचे चिपक जाता है। नॉन स्टिक के पैन में ही बना रही हूँ, फिर भी चिपकने का डर रहता है काजू और तरबूज के बीजों का के वास्ते। जैसे ये हमारा चिपक जाता है तो अभी ये पूरे हो गए इसके दो मिनट। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट जो मैं पीस को रखी थी। तो अभी मैं हमारे यहाँ पंडू के साथ काजू बादाम काजू और तरबूज का जो पेस्ट बनी थी वो भी अच्छे से पक चुका है। मैं अभी इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखे मसाले डाल रही हूँ,
चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट भी डाल दूंगी मैं। अभी मैं ये जो चिकन का कच्चा मसाला आता ना, ये जो चिकन का कच्चा मसाला आता है, खुला मसाला मिलता है, वो मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। ग्रेवी में ज़्यादातर यही मसाले यूज़ होती, ये मसाले से हमारा ग्रेवी भी बहुत अच्छे से होता है और इस ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छे से आता है। तो मैं ये वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है ये मसाला। चलो अब ये पूरे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स करको, ये मसाले के साथ अच्छे से पकाना हमें 5 मिनट तक। तो हमारा मसाला पक रहा है। अभी मैं जैसा ये मसाला में से तेल निकल रहा है, तो अभी मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। अभी ये मसाले के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कच्चा चिकन ही ऐड करी हूँ मैं, कोई अलग से ऐसे मैं इसका बिसान पानी नहीं फिरा को हूँ, कच्चा चिकन ही ऐड कर को। इसका बिसान पानी इसमें छुट्टा और इसमें ही गिर जाता है। मैं ये चिकन हाफ के जी का बना रही हूँ, हाफ के जी की ग्रेवी बना रही हूँ मैं। इसमें पकड़ को दे पानी। इधर देख लीजिए, इधर साइड में देख लीजिए, हमारा पानी छूट रहा है। तो हमारा अच्छे से जरेगा पानी, वो छूट को जो एक्स्ट्रा पानी जो मसाला लग को था जार में, उसमें मैं रती पानी ऐड करको, वो मसाला भी रती पानी ऐड करको उसमें। अभी मैं इस बॉटल से हाफ बॉटल पानी इसमें ऐड कर चो, क्योंकि हमें ग्रेवी बना रही है इसके वास्ते। तो हमें हल्के हल्के हाथों से इसे इस ग्रेवी का हल्के हल्के हाथों से हलाना, ज़्यादा फोर्स नहीं डालना। तो चलो अभी मैं इसे 10 मिनट तक पकने देती हूँ, क्लोज कर डालती हूँ। 10 मिनट के बाद देखियो मेरी ग्रेवी कितनी ज़्यादा गाढ़ी भी होती है और बहुत अच्छा कलर भी रहता है। 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट बाद चेक करी हूँ। थोड़ा अभी हमारी और थोड़ी ग्रेवी पकना है और 5 मिनट तक मैं इसे ग्रेवी को पकाऊंगी, उसके बाद हाफ कर को आपको फाइनल लुक दिख। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, फाइनली 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। देखिए हाँ, तो हमारा ग्रेवी बन के रेडी है। अभी मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए झटपट से बनने वाली है और बहुत इजीली भी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। हमारे यहाँ शादियों वाले में, शादियों वाले टाइम भी ऐसी ही ग्रेवी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लोग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, हम इसे सेवियाँ के साथ खा रहे हैं हमारी ग्रेवी। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, चिकन ग्रेवी बहुत टेस्टी है और बहुत झटपट भी बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इस रेसिपी को। ज़रूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को किस तरह लगे इस रेसिपी। इजी भी है और बहुत अच्छी भी है और बहुत टेस्टी भी है। इसे चावल के साथ भी खाओ, रोटी के साथ भी खाओ, नान के साथ भी खाओ, या नहीं तो इसे सेवियाँ के साथ भी खाओ, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो की एंड करते हैं। आप मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको रेसिपी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।